जनता जब कष्ट में रहता है और उनकी बातों को नहीं माना जाता है तो वो आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं एवं अपनी मांगों को मनवाने के लिए नारा भी लगाते हैं। आपको बताते चले कि जल जमाव की समस्या को लेकर दरभंगा शहर में लगातार कई आंदोलन हुआ लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। लेकिन इसी क्रम में जल जमाव की समस्या एवं दोनार में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर जन स्वराज ने निकाला पदयात्रा। जन स्वराज दरभंगा के आह्वान पर दरभंगा सदर प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र में जल जमाव की समस्या एवं दोनार गुमती पर लगने वाले महाजाम से निजात पाने के उद्देश्य से जन स्वराज के द्वारा पंचायत आयोजित किया गया था एवं समस्या से निजात पाने के लिए पदयात्रा भी निकाला गया। पदयात्रा सदर प्रखंड मुख्यालय से शुरू होकर धर्मपुर जेपी चौक होते हुए कटरहिया से निकलकर स्टेट हाईवे 56 दोनार होते हुए दिलावरपुर गंज चौक पासवान चौक होकर सदर प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर जनसभा में तब्दील हो। कार्यक्रम 1 जुलाई को सदर प्रखंड मुख्यालय में आयोजित किया गया था। जन स्वराज के जिला अध्यक्ष बिल्टू साहनी के अध्यक्षता में बड़ी संख्या में नेताओं ने अपनी अपनी बातें लोगों के बीच में रखी एवं समस्या का निदान पाने के लिए जन सहयोग की अपेक्षा की। यह कार्यक्रम 1 जुलाई को आयोजित किया गया था। आपको बताते चले कि पद यात्रा में जल जमाव पर हल्ला बोल, दोनार टिन्ही पुल पक्का नाला बनाना होगा, दोनार में ओवर ब्रिज बनाना होगा सहित दर्जनों नारा गूंज उठा। आपको बताते चले कि जन स्वराज के जिला अध्यक्ष बिल्टू सानी ने कहा कि स्थानीय जल जमाव से प्रभावित क्षेत्रों में नर की स्थिति को देखते हुए जन स्वराज ने 1 जुलाई को यह पदयात्रा निकाला है एवं शहर की समस्या को लेकर एवं ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या को लेकर लगातार यह कार्यक्रम चलता रहेगा। आइए सुनाते हैं इस संबंध में जो जन स्वराज के नेता है उन्होंने क्या बताया। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। आज जन स्वराज दरभंगा की टीम के द्वारा पहली बार बिहार में आम जन समस्या के लिए यह पदयात्रा एवं महाजन पंचायत आयोजित की गई है। आप देख रहे होंगे कि पूरा सदर प्रखंड 2 फीट 3 फीट पानी से जलमग्न रहता है लेकिन आज तक इस क्षेत्र में कई मंत्री कई विधायक महात्मा टर्म के विधायक रह चुके हैं लेकिन आज तक इस जन समस्या पर किसी ने काम नहीं किया। पहली बार जन समस्या पर आधारित जन स्वराज के द्वारा यह पैदल यात्रा इतनी गर्मी में किया गया है और इस जन पंचायत के द्वारा हम लोग प्रशासन को 87 लोगों को आह्वान करना चाहते हैं कि आप जाग जावे नहीं तो निश्चित रूप में जन स्वराज आप को छोड़ने का काम नहीं करेंगे। और जन स्वराज पूरे बिहार में जग चुका है, बिहार में ऐसे ऐसे टोले मोहल्ले में जन स्वराज के कार्यकर्ता बन गए हैं जो 2025 भी निश्चित रूप में अपने कामयाबी में मंजिल तक पहुंचेंगे। मैं बिल्कुल सानी जिला अध्यक्ष जन स्वराज रहूंगा। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? देखिए ये जो मांग है ये बहुत पुरानी है और 30 सालों से यहाँ पर जो स्थिति बना हुआ है इसमें जो जल जमाव है, आज वर्षा हो गई है और ये एक परिचय है, परिचायक बना हुआ है, ये दिख रहा है यहाँ का पानी कि एक वर्षा में 1 घंटा के पानी में यहाँ पर किस तरह से जल जमाव हो चुका है। यहाँ पर जो जन समस्या है, इस जन समस्या के समाधान के लिए यहाँ के जो लोग हैं यानी इस ट्रैक से पूर्वी दिशा में जो लोग रहने वाले हैं वो पश्चिम दिशा में ट्रैक से उधर टावर की तरफ या हॉस्पिटल की तरफ जाने में इनको बहुत समस्या आती है लेकिन आज तक यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं ये 25 सालों से इनको ये दिख नहीं रहा। जनता को, इस तरफ की जनता को या उस तरफ की जनता को या पूरे 48 वार्ड के लोगों को या पंचायत जितने हैं सारे पंचायत के लोगों को ये लोग बेवकूफ़ बना करके जात के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट ले लेते हैं लेकिन जो समस्या का निदान करना है, जिस काम के लिए जनता चुनती है उस काम का निदान ये नहीं करते हैं क्योंकि पूछ नहीं होती है और कोई खड़ा नहीं होता है। आज प्रशांत जी का ये आह्वान है कि हम गांव गांव में जाकर के बूथ लेवल पर जो समस्या है उस समस्याओं के लिए आवाज़ उठाएंगे, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। हमारे जितने जन स्वराजी हैं वो एक ईमानदारी के साथ ये काम करेंगे और हम बिहार का जो दशा दिशा है वो बदलेंगे, यहाँ के सिस्टम को बदलेंगे, यहाँ की जो समस्या है उस समस्याओं के निदान के लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम शुएब अहमद खान है और मैं संयोजक हूँ दरभंगा जिला विधानसभा।